हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पेपर टू का, जो कि KMB 208 पेपर कोड है MBA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट हम सारी यूनिट्स का रिवीजन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे यूनिट 1 यानी मार्केटिंग सर्विस मार्केटिंग मिक्स। इसका एक ही पार्ट है, कोई दूसरा पार्ट नहीं है। तो डेफिनेशन तो हम तो पहले देख लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स द फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। यानी मार्केटिंग मिक्स क्या है? टूल है जिसका यूज़ करके हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होती हैं उन टारगेट मार्केट में, उसको हम फुलफिल करते हैं। ये क्या करता है? सेट ऑफ एक्शंस हो सकते हैं, टैक्टिक्स हो सकते हैं दैट अ कंपनी यूज टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये सेट ऑफ एक्शंस है, टैक्टिक्स है, टेक्निक है जो कि कंपनी यूज करती है अपने प्रमोशन के लिए, ब्रांड के प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए मार्केट में। ये मार्केटिंग मिक्स होता है। एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के? जिसको हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, दैट इज जो कि क्वाइंट किया गया था जेम्स कोल्टन द्वारा और मैकार्थी द्वारा। इसको दिया गया था प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो ये प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन क्या कहलाता है? मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स नीलज बॉर्डन ने डिफिनेशन दिया था, जेम्स कोल्टन ने क्वाइंट किया और मैकार्थी ने उसके एलिमेंट्स यानी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 P ही एलिमेंट होंगे मार्केटिंग मिक्स के, ये मैकार्थी ने कहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 4 C's। 4 C's क्या है आपका? 4 C यानी 4 P को 4 C में कन्वर्ट किया गया है। 4 P में क्या है? P से स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, जबकि 4 C में वही चीज़ें हैं बट उनको कंज्यूमर के टर्म्स में कहा गया है। तो 4 C में पहला C कंज्यूमर, जिसको हम प्रोडक्ट 4 P में प्रोडक्ट कहते हैं, वो यहाँ पे कंज्यूमर जाएगा। वहाँ पे प्राइस होता है, यहाँ पे कॉस्ट होगा। वहाँ प्लेस है, यहाँ कन्वीनियंस होगा। और वहाँ प्रमोशन होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। तो 4 C's क्या है? कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विस। सर्विस क्या है? इस सर्विस इज एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज इसेंशियली इंटेंजिबल, डज नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग। फिलिप कोटलर की डेफिनेशन है। तो उन्होंने क्या कहा कि सर्विस क्या है? एक एक्ट है या कोई परफॉर्मेंस है जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है, जिसमें कोई भी ऑनरशिप नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हॉस्पिटल, मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस एक्सेट्रा। तो ये सर्विस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेंजिबिलिटी, यानी ये इंटेंजिबल, आप इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इनसेपरेबिलिटी, इसको आप सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। वेरिएबिलिटी, एक सर्विस एक ही जैसे, एक ही बंदा, एक ही पर्सन एक सर्विस को दूसरे लोगों को अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करेगा, यानी एक ही जैसी सर्विस आप हमेशा नहीं पा सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा। पेरिशेबिलिटी, सर्विस किसी भी टाइम पीरियड में अगर नहीं दी गई तो वो पेरिश हो जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी, यानी आप दोबारा उस टाइम ड्यूरेशन में वो सर्विस नहीं दे सकते हैं। फोर्थ इज और फिफ्थ इज और लास्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नो ऑनरशिप, यानी कि कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, आपने कोई मोबाइल परचेज किया तो पहले ऑनर सेलर होता है, बेचने के बाद ऑनर कंज्यूमर हो जाता है, जबकि सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस आप अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट आप सर्विस का ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विस की, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी और नो ऑनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। जैसे कि आपने देखा था मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4 P, वो गुड्स के केस में होता है, जबकि सर्विस के केस में क्या है, 7 P's है। तो 7 P's को हम क्या कहते हैं, सर्विस मार्केटिंग मिक्स या फिर एक्सटेंडेड या ऑगमेंटेड मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। क्या क्या है? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, जबकि 4 P's में थे वही 4 P's यहाँ है, प्लस इसमें 3 P's और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्या है वो चीज़? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। जैसा कि सर्विस में पीपल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उसमें कुछ फिजिकल एविडेंस आपको रखने होते हैं, क्योंकि सर्विस क्या है, इंटेंजिबल नेचर है। तो इसलिए 3 P's में और एड ऑन हो जाते हैं, और इसलिए टोटल 7 P's सर्विस के मार्केटिंग मिक्स में होती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सर्विस गैप। सर्विस गैप है क्या है? तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट गैप्स होते हैं, यानी कि सर्विस के केस में 5 गैप आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्विस आपका फेल हो सकता है। अगर आप वो गैप मिनिमाइज करेंगे तो आपकी सर्विस अच्छी होगी। तो पहला गैप क्या है कि कस्टमर क्या चाहता है, आप फिगर में देख सकते हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड, यानी कस्टमर क्या चाह रहा है और आप कैसे समझ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर उसको कैसे समझ रहा है, पहला गैप तो यही हो सकता है। दूसरा गैप क्या हो सकता है कि कस्टमर ने क्या समझा और कस्टमर ने कैसे उसकी डिलीवरी, उसको सर्विस को डिलीवरी का प्रोसेस पॉलिसीज बनाई, दूसरा गैप यहाँ हो सकता है। तीसरा गैप, जो सर्विस हम बनाना चाह रहे थे और जो सर्विस एग्जैक्टली हमने उसको डिलीवर की है, उसमें कोई गैप है। चौथा गैप है सर्विस जो हमने डिलीवर की है और हमने जो उनसे कम्युनिकेशन किया उसके बीच में गैप। और लास्ट गैप है कस्टमर जो चाहता था और कस्टमर ने जो पाया,
वो गैप। तो टोटल 5 गैप होते हैं सर्विस के केस में। ओके लर्नर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्व कॉल रेटर। जैसा कि आपने देखा कि सर्विस के केस में 5 गैप होते हैं, तो सर्विस की गैप को कम करने के लिए रेटर का यूज़ किया जाता है, सर्व कॉल मॉडल भी कहते हैं, यानी सर्विस क्वालिटी मॉडल। तो अगर आप ये 5 चीज़ों का यूज़ करके सर्विस को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो क्या है वो? रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी और टेंजिबल। तो आप इन 5 का यूज़ करके आप सर्विस की गैप को मिनिमाइज कर सकते हैं। से इतना ही, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, रिवाइज करिएगा और इनको ध्यान से देखिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट यूनिट की वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उनको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।